जमीन से निकलने लगी शराब तो आबकारी विभाग के अधिकारी भी रह गए भौचक के। आपको बता दें कि शराब के पैकारों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम उस वक्त भौचक्की रह गई जब जमीन के नीचे से ही शराब की बोतलें निकलना शुरू हो गई। आबकारी विभाग द्वारा गड्ढा खोदकर बनाए गए तहखाने के अंदर से देसी और अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल एवं कलेक्टर माऊगंज अजय श्रीवास्तव के आदेशानुसार सहायक आयुक्त आबकारी जिला रीवा अनिल जैन के मार्गदर्शन में रीवा आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी AK ठाकुर के नेतृत्व में टीम के द्वारा वृत्त माऊगंज एवं वृत्त रीवा में अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ग्राम भीर में कुसुमबारी के कब्जे से 55 पाव देसी मसाला, ग्राम अटरिया में रमेश तिवारी के कब्जे से 125 पाव सादा मदिरा, ग्राम बंदवा में वीरन सिंह के कब्जे से 155 पाव मसाला मदिरा, ग्राम हरदिया में मनोज जायसवाल के कब्जे से 14 बॉटल बियर, ग्राम दूबी में प्रमिला साकेत के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा ग्राम बदवार में गीता कोल के कब्जे से 50 पाव सादा मदिरा, राजकुमार कोल के कब्जे से 28 पाव सादा मदिरा एवं साधना कोल के कब्जे से 18 पाव सादा मदिरा बरामद कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त मदिरा की कुल कीमत लगभग 33,800 रुपये आकी गई है। इस कार्रवाई में ADO AK ठाकुर, आबकारी उप निरीक्षक शबनम बेगम, उप निरीक्षक मनोज कुमार बेलवंशी, वीणा प्यासी, नेहा प्रजापति सहित स्टाफ के लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है, जगह जगह दबिश दी जा रही है।